शिमला का लक्कड़ बाजार रिज से सटी एक छोटी सड़क पर बना है। यह बाजार लकड़ी के सजावटी सामान और स्मृति चिन्हों के लिए मशहूर है। यहाँ ऊनी कपड़े, पश्मीना शॉल और हस्तशिल्प भी मिलते हैं। लक्कड़ बाजार माल रोड के पास है। अगर आप रिज पे खड़े हैं तो रिज के लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे हॉर्स राइडिंग वाले हैं। हॉर्स राइडिंग वालों के साथ में ही गली जा रही है जो लक्कड़ बाजार के लिए जाती है, और इसी गली में यानी कि इसी स्ट्रीट को चलते चलते हम लक्कड़ बाजार पहुंच जाते हैं। यह बाजार उन लोगों के लिए एक अच्छा अनुभव है जो शिमला की यात्रा पर लकड़ी की सजावटी सामान खरीदना चाहते हैं और लक्कड़ का सामान खरीदना पसंद करते हैं। आमतौर पर स्थानीय लोग भी यहाँ इवनिंग के टाइम पर आते हैं। और चलिए मैं आपको इस मार्केट का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, यहाँ पे मिलता क्या क्या है। अगर आप देखेंगे इस शॉप के अंदर आपको लक्कड़ से बनी हुई काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे लक्कड़ से बने की चैन, बर्तन और स्मृति चिन्ह, जो कि आप मेमोरी मार्क भी कह सकते हैं। आप अपने लक्कड़ पर नाम लिखवा सकते हैं और रख सकते हैं। और देखिए कई तरह के प्रोडक्ट आपको जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने को, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं और इनका रेट भी काफ़ी वाजिब है होता है यहाँ पर आप। लेकिन उसके अलावा आप यहाँ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। होम डेकोर के भी सामान आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, जिससे आप अपना घर सजा सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं। बाकी लेडीज पर्स वगैरह भी बहुत ही सुंदर है यहाँ पर, आप यहाँ पे काफ़ी वेराइटी देख सकते हैं। जब भी आप शिमला आए तो लक्कड़ बाजार आना ना भूलें। लक्कड़ बाजार का नाम लक्कड़ बाजार शिमला शहर के बसने से जुड़ा हुआ है। उस समय इस क्षेत्र के लोग लकड़ी से बने उत्पाद बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। लकड़ी से बने उत्पाद और उनके गुजर बसर का जरिया हुआ करते थे। इस वजह से आगे चलकर इस बाजार को लक्कड़ बाजार के नाम से जाना जाने लगा। शिमला घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून होता है। इस दौरान शिमला का मौसम सुहाना होता है। मार्च से जून के बीच शिमला का तापमान 15 से 35 डिग्री के बीच बना रहता है और सितंबर से दिसंबर भी शिमला घूमना लोग पसंद करते हैं। इस दौरान यहाँ का मौसम और वातावरण बेहद शांत होता है। दोस्तों लक्कड़ बाजार में टॉयज के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जो कि बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। और यहाँ पर जगह जगह पर खाने पीने के ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर आप यहाँ का स्थानीय लोकल फूड भी खा सकते हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी भी मिलती है आपको। तो दोस्तों मैं वापस रिज पे चलते हैं और वहाँ से वापस होटल रूम में चलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।